Bowie. ना बाऊ से पूछा है कि ये किधर लेके घूम रहा था इतना माल शाल और पैसा? हाँ बाऊ, कोलिया वलिया याद है चोर का? नहीं। और एक बात बता, इतना माल जेवर पैसा तेरे पास कहां से आया? थानेदार जहांदार ने तफ्तीश शुरू की ना, तो सबसे पहले तुझसे शुरू होगी। मुझसे भी तफ्तीश कर लीजिएगा थानेदार साहब, पहले उसको तो ढूंढ ले जो मुझे लूट कर गया है, कहीं बहुत दूर ना निकल जाए। उसने किधर जाना है? इस इलाके के हर चोर चक्के पे नजर होती है हमारी। मतलब जानते हैं आप सबको? मेरा मतलब है कि इतना सा तो इलाका है जोग से आज बंदे से बंदा टकराता है, किधर नहीं जाएगा। फिक्र ना कर, ये सब इंस्पेक्टर असगर है, इसको उलिया उलिया लिखा दे, करते हैं सुबह कुछ। और जो भी माल बरामद होगा उसका आधा हिस्सा थाने के माल खाने में जमा कराना है तुम्हें। क्यों जी, मेरे हक हलाल की कमाई है, आधा माल जमा क्यों कराना? अब बहू, सरकारी हमारा तो ये देख इसको वार से और रंग रोगन और फर्नीचर देखा है तूने? और पूरा एक साल हो गया है सरकार ने डीजल के पैसे तक नहीं दिए, और अल्लाह जानता है जोग सियाल का थाना किस तरह चल रहा है। और इसके अलावा एक दर्जन और खर्चे हैं, लिख के दूं तहरीर तौर पर। बाकी तेरी मर्जी है माल बरामद कराना या नहीं। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी था अंदर साहब। एक गुजारिश थी, रात बहुत हो चुकी है, कोई रहने की जगह भी नहीं है, कोई होटल वगैरह भी नहीं है कि मैं जा सकूं। उसकी फिक्र ना कर, मेहमान है बाबू तू हमारा। ओ शरीफे। जी जनाब। ओ महकमा अपाशी का दफ्तर खाली पड़ा है ना? जी जी। और बाबू की किधर भी बेड़े में मंजी वंजी लगा दे। ठीक हो गए, सुबह देखते हैं। असगर रिपोर्ट लिख, सवेरे आ जाना, हो जाएगा काम तेरा। ठीक है जी।